सड़क से लेकर संसद तक जगह जगह पे इनके खिलाफ आवाज उठाए, मगर प्रधानमंत्री उनके परिवार ने अदानी को बचाने के लिए किसी का आवाज सुनने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। इसीलिए लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा श्री राहुल गांधी जी लोकसभा में आवाज उठाकर इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी के लिए इन्हों डिमांड किए, मगर नरेंद्र मोदी जवाब देना छोड़कर चार दिन पहले ही राज्यसभा लोकसभा बंद कर बाहर भाग गए। इसीलिए आज हमारा अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ऐलान किया हर प्रदेश में ईडी ऑफिस के सामने धरना करकर इस देश को कैसे अदानी प्रदानी लूट रहे ये बात जनता के सामने रखने के लिए ऐलान किए। इसीलिए आज के तारीख में एआईसीसी से दीपादास मुंशी जी, श्री सलमान कुर्सी जी, हमारे भाई डिप्टी सीएम भट्ट विक्रमार्का जी, मेरे साथ मंत्रियों एमपी एमएलसी एमएलए और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता तक हजारों लोग इधर आज जमा होकर राहुल जी आवाज को मदद देने के लिए, राहुल जी आप संघर्ष करो, आपके साथ हम हैं, आपके साथ हम रहेंगे, ये जनता को लूटने वाले को जेल तक भेज देंगे, जेल के अंदर डालेंगे, तब तक हम आपके साथ में रहने के वादा कर सब लोग यहां मौजूद हुए। मित्रलारा, ये रोज़